Hello everyone, I am RK sir. Today we are going to discuss about use of could. In use of could we have to read that किस तरह का वाक्य को ट्रांसलेशन करने के लिए could का प्रयोग किया जाता है. सो हमारा रूल क्या बनता है कि जिस वाक्य के अंत में सका सकी सके रहे उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए could का प्रयोग किया जाता है. जैसे मैं पत्र लिख सका, हम लोग गाना गा सके, राधा कथक नाच सकी. तो मैं जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वट एवर आई एम टेकिंग द हिंदी एग्जाम्पल, एंड ऑफ द सेंटेंस यू आर लिसनिंग दैट सका सकी सके. तो इस तरह का यदि वाक्य मिले आपको तो उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, could का प्रयोग करेंगे. तो हमारा रूल क्या बनता है, ध्यान रखिएगा कि जिस वाक्य के अंत में सका सकी, मैं लिख भी दे रहा हूं आप नोट बना लीजिएगा, सका सकी सके रहे तो उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, could का प्रयोग किया जाता है. तो यह आपका रूल बन गया. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अकॉर्डिंग टू द रूल लेट्स वी टेक सम एग्जाम्पल इन हिंदी. देन आई कैन से दैट मैं अंग्रेजी सीख सका, मैं अंग्रेजी सीख सका. वेरी सिंपल इंग्लिश. सो हम लोग आम तोड़ सके. तुम बाजार पहुंच सकी. अगेन एक आई कैन टेक एग्जाम्पल, वह सिनेमा देख सका. अगेन आई कैन टेक वे लोग मैच खेल सके. अगेन आई कैन से सीता भात पका सकी. सो यू आर लुकिंग दैट वट एवर आई हैव टेकन द हिंदी एग्जाम्पल इन ऑफ द सेंटेंस हियर सका सके सकी. अगेन यू कैन लुक सका सके सकी. सो व्हेन यू फाइंड लाइक आउट ऑफ सेंटेंस इन हिंदी देन फॉर द ट्रांसलेशन यू कैन यूज द कोड. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट एज अ रूल जिस वाक्य के अंत में सका सकी सके रहे उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है. मैं बार बार बोल रहा हूं और इसलिए बोल रहा हूं कि आप सुन सुन के याद कर लीजिए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए ताकि इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बनाने सीख सकते हैं. उम्मीद करूं यूज ऑफ कुड का जो रूल है वो समझ में आया होगा. तो चलिए शुरू करते हैं रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस. नाउ लेट्स बिकम रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस ऑफ यूज ऑफ कैन. रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस सेइंग दैट सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. Use of can, already you have read that, subject plus can plus V1 plus object. So here we can write here subject plus could, C-O-U-L-D, could plus V1 plus object. So finally we got the rule. So according to the rule, let's we take some example. Which one? Subject could V1 plus object. Suppose that I am saying that मैं अंग्रेजी सीख सका, मैं अंग्रेजी सीख सका. What will happen? According to the rule, let me take English example then. मैं अंग्रेजी सीख सका, हिंदी will happen. I could learn English. Learn that means सीखना, already you know that. I could learn English. मैं अंग्रेजी सीख सका. If I say हम लोग अंग्रेजी सीख सके then it will happen. We could this one see. We could learn English. Very simple. I hope you are understanding. Here we can take तुम अंग्रेजी सीख सका, then what will happen? You could learn English. Learn English. If I say this is the E, so don't worry. If I say वह अंग्रेजी सीख सका, then he could learn English. Again, I am taking example. वो अंग्रेजी सीख सकी, then she could learn English. And other my example, वे लोग अंग्रेजी सीख सके, then they could learn English. And last my example is that
राम अंग्रेजी सीख सका देन आई कैन से राम कुड लर्न इंग्लिश लाइक दैट यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ कुड यू आर लुकिंग दैट रूल इज दैट सब्जेक्ट कुड भी वन प्लस ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग सो बी केयरफुल अबाउट इट सो इज दिस सब्जेक्ट आई हैव टेकन हियर आई वी यू ही सी दे एंड राम ऑल आर सब्जेक्ट आफ्टर द सब्जेक्ट आवर रूल इज सेइंग कुड That's why each and every sentence you are looking the could after then V1. So is the V1 today? We have taken learn. So each and every sentence you are looking the learn after then object. So that is your object today. I have taken here English. So finally our rule is that subject plus could plus V1 plus object. So let's we come in Hindi then I can say that. कि यदि हमारा रूल क्या है सब्जेक्ट कुड भी वन प्लस ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया आई वी यू ही सी दे एंड राम उसके बाद क्या है कुड है तो देखिए सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिया कुड उसके बाद भी वन है तो भी वन के रूप में मैंने क्या लिया लर्न और लर्न मतलब सीखना होता है आप जानते ही है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिया इंग्लिश तो फाइनली हमारा रूल क्या बना है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया यदि हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा ध्यान रखिए सका सकी सके ही आएगा ना तो क्या कह सकते हैं आई कुड लर्न इंग्लिश मैं अंग्रेजी सीख सका वी कुड लर्न इंग्लिश हम लोग अंग्रेजी सीख सके यू कुड लर्न इंग्लिश तुम अंग्रेजी सीख सका ही कुड लर्न इंग्लिश वह अंग्रेजी सीख सका सी कुड लर्न इंग्लिश वह अंग्रेजी सीख सके दे कुड लर्न इंग्लिश वे लोग अंग्रेजी सीख सके एंड राम कुड लर्न इंग्लिश राम अंग्रेजी सीख सका सो मैं अंग्रेजी सीख सका हम लोग अंग्रेजी सीख सके तुम अंग्रेजी सीख सका वह अंग्रेजी सीख सका वह अंग्रेजी सीख सके वे लोग अंग्रेजी सीख सके राम अंग्रेजी सीख सका तो इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है और बनाना है यदि मैं इसके अनुसार यदि और एक एग्जाम्पल लूं यदि मैं बोलता हूं कि मैं पत्र लिख सका क्या हो जाएगा आई कुड मैं पत्र लिख सका आई कुड राइट लेटर वी कुड राइट लेटर यू कुड राइट लेटर ही कुड राइट लेटर सी कुड राइट लेटर दे कुड राइट लेटर राम कुड राइट लेटर तो इस तरह से आप क्या कीजिए प्रैक्टिस करते रहिए यदि मैं और एक एग्जांपल देके बताऊं कि मैं पेड़ लगा सका तो आई कुड प्लांट ट्री वी कुड प्लांट ट्री यू कुड प्लांट ट्री ही कुड प्लांट ट्री सी कुड प्लांट ट्री दे कुड प्लांट ट्री राम कुड प्लांट ट्री एकदम सिलसिलेवार ही आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है मैं बोलता हूं कि ये सारी चीजें तो आप पढ़ चुके हो जानते हैं तो आपको क्या करनी है कि आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है ताकि आपका डर भागे आपका जो हेजिटेशन है वो भागे ताकि आप मुंह खोल सकें और इंग्लिश की ओर अपना कदम बढ़ा सकें तो इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा तो चलिए हर एक क्लास के जैसे ही शुरू करते हैं 5 sentences लेट्स वी डिस्कस आवर 5 sentences टुडे आवर 5 sentences इज दैट हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट What today? Best of luck to you. Any doubt? Sorry, I couldn't come. And the Hindi is that. Be careful about it. Once again, I'm reading. How dare you speak to me like that? ये dare लिखा हुआ है. D-A-R-E, dare. लेकिन इसका जो उच्चारण होता है, pronunciation होता है, वह क्या होता है? Day होता है. D-A-Y, day जैसा सुनाता है. लिखते क्या है? Dare. ध्यान रखिएगा इसका. Dare. How dare you speak to me like that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ऐसा कहा या तो ऐसे कहा या तो आप डाल सकते हैं इसको ऐसा कहा कह के चलेगा व्हाट टुडे कितना बढ़िया दिन बेस्ट ऑफ लक टू यू तुम्हारा भाग्य साथ दे एनी डाउट कोई शक या कोई संदेह सॉरी आई कुडंट कम माफ कीजिए मैं नहीं आ सका अभी पढ़े ना कुड तो ये कुडंट कुड नॉट कुडंट का प्रयोग हम लोग अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो चलिए इसी के अनुसार हम लोग वाक्य बनाने का कोशिश करें लेट्स बी ट्राई टू मेक गुड सेंटेंस एंड इजी हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट मान लीजिए आप कभी क्या बोलते हैं सर आपको हाथ नहीं डाले हैं यदि कोई आपका कंप्लेन करता है घर में कि आप वहां पर जाके शराब पिए वाइन पिए आप मतवार हो यू आर ड्रंकर तो आप गुस्सा होगे ना तो उसमें क्या बोलोगे यदि आपको कोई बोलता है यू आर ड्रंकर Then, तुम उसको गुस्से से क्या गुस्सा से थोड़ा होता है हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट लेकिन आज का जमाना में ना एकदम शॉर्टकट काम चलाते हैं लोग उतना पूरा लंबा सेंटेंस नहीं बोलते हैं हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट उसका शॉर्ट में ही काम चल जाता है हाउ डे यू तो आप भी इतना कम से काम चला सकते हैं जैसे आपको कोई बोलता है यू आर चीटर यदि आपको कोई बोलता है वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट यू आर चीटर Then, आप तुरंत रिप्लाई कीजिए हाउ डे यू आई एम नॉट ए चीटर आई एम ए जेंटलमैन तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं ये बहुत काम का चीज है हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा जो भी सेंटेंस दे रहा हूं बहुत आसान आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका कलेक्शन तैयार किया हूं
अगला देखिएगा, व्हाट अ डे, कितना बढ़िया दिन, व्हाट अ डे, टुडे इज योर बर्थडे सो व्हाट अ डे, आज आपका जन्मदिन है तो कितना बढ़िया दिन है, या तो बोल सकते हैं टुडे यू गॉट जॉब सो व्हाट अ डे, आज तुम नौकरी पाया सो कितना अच्छा दिन है, तो इस तरह से बनाइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू, तुम्हारा भाग्य साथ दे, जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपके घर वाले या तो आपके दोस्त क्या बोलते हैं, हैंडशेक करते हैं, बेस्ट ऑफ लक टू यू बोलते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक टू यू, लेकिन शॉर्टकट में भाई बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ना, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू पूरा सेंटेंस होता है, शॉर्टकट में जाइएगा तो बेस्ट ऑफ लक होता है, तो बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं तो आपका भाग्य साथ दे, मतलब आपका भाग्य साथ दे, जो मेहनत किए हैं उसको अच्छे से कीजिए, या तो मान लीजिए और भी बोल सकते हैं, एक इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो भी बोले बेस्ट ऑफ लक टू यू। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, एनी डाउट, कोई शक, एनी डाउट इन माय आंसर प्लीज सजेस्ट मी, मेरा आंसर में कोई भी संदेह है तो प्लीज हमको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, या तो क्या बोलते हैं आंसर मी, मतलब कोई भी जवाब दीजिए, एनी डाउट, या तो बोल सकते हैं आई एम योर टीचर, एनी डाउट, मैं आपका टीचर हूँ, कोई शक है, इस तरह का वाक्य बना सकते हैं, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी डाउट, मैं भारत का नागरिक हूँ, कोई शक है, क्योंकि मेरे पास सारा प्रमाण है, आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, राशन जो बोलते हैं राशन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और क्या बोलते हैं हम लोग टैक्स भी भरते हैं, तो क्या हो गया कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। तो सॉरी आई कुडंट कम, देखिए सॉरी आई कुडंट, माफ कीजिए मैं नहीं आ सका, यस्टरडे आई हैड गॉन रांची सो सॉरी आई कुडंट कम इन योर बर्थडे पार्टी, मतलब कल मैं कहाँ गया था, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यदि कल मैं रांची गया था इसलिए माफ कीजिए आपका जन्मदिन का जो पार्टी था उसमें मैं नहीं आ सका, या तो बोल सकते हो यस्टरडे वाज माय एग्जाम सो सॉरी आई कुडंट कम इन योर होम या एट योर होम। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये जो फाइव सेंटेंस है बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, और शुरू वाला फर्स्ट नंबर में, मतलब ये 41 नंबर है ना, तो ये 41 नंबर में आप लोग क्या बहुत ही थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कलेक्शन यहाँ पर जमा कीजिए, मजा आएगा, और इसका मीनिंग को भी याद रखना है ताकि आप इसका यूज कर सकें। उम्मीद करूँ ये समझ में आ रहा होगा, आई एम होपिंग दैट यू आर ट्राइंग टू यूज दिस सेंटेंस इन योर लाइफ एंड यू आर ट्राइंग टू मेक अ गुड सेंटेंस सो इट इज गुड फॉर मी। सो लेट्स वी डिस्कस अदर थिंग इन नेक्स्ट क्लास। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक से हमको बहुत एनर्जी मिलता है, और लेकिन आप देखते हैं वीडियो, पढ़ते भी हैं, हमको पता चलता है, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए, और इसका नोट चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए, इसका नोट आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में, जय हिंद।